हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबका? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम बात करेंगे आज, इंडिया के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना टूरिज्म ओपन कर दिया है और इसके लिए हम आगे बात करते हैं। तो जी, द मोस्ट फेमस, सब हमारे लोगों के लिए, सब हमारे इंडियंस के लिए, शेनेगन कंट्री सबसे फेमस, जो बहुत ज़्यादा हनीमून कपल जाते हैं। जी हाँ, तो स्विट्ज़रलैंड ने अपना ओपन कर दिया है टूरिज़्म और स्लॉट मिल रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ 2 दिन के हैं और बाकी बॉम्बे चेन्नई के अंदर 3 दिन में स्लॉट मिल रहे हैं। मतलब 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन, मतलब वीक में 3 दिन स्लॉट मिल रहे हैं। तो आप अपॉइंटमेंट लेके अपना वीज़ा लगवा सकते हैं और शेनेगन कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरी शेनेगन कंट्री ओपन हो चुकी है हंगरी। हाँ जी, तो उसके भी स्लॉट अवेलेबल हैं, तो आप उसकी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो बात करेंगे टर्की की, तो टर्की के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। पहले टर्की के लिए वीज़ास तो ओपन थे, टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है, बट वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि 14 डेज का क्वारंटाइन है। तो नेक्स्ट मंथ से, मोस्ट प्रोबेबली इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो नेक्स्ट मंथ से क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जी बात करेंगे यूके की। यूके ने पहले अपने टूरिज्म वीज़ा अभी थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिए थे, लेकिन अब दोबारा यूके ने ओपन कर दिया है टूरिज्म वीज़ा। तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो। और जी बात करेंगे ब्राज़ील की, तो साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री आती है जिसने अपने पहले टूरिज़्म, पहले एप्लीकेशन लेना एक्सेप्ट कर रही थी, बीच में उन्होंने बंद कर दिया था और अब दोबारा लेना उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। तो आप ब्राज़ील ट्रैवल कर सकते हो और बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल ब्राज़ील भी जा रहे हैं, वहाँ जाके व्लॉग कर रहे हैं। तो ब्राज़ील आजकल बहुत ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन बन गया है, तो आप ब्राज़ील भी ट्रैवल कर सकते हो। तो जी सबसे बढ़िया खुशखबरी, कनाडा ने अपने बायोमेट्रिक ओपन कर दिए हैं और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट आएगी बायोमेट्रिक की, तो आप यहाँ से, इंडिया से अब दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि बायोमेट्रिक सच में ओपन हो गया अब इंडिया के अंदर, तो आप करा सकते हो। तो जी बात करेंगे यूक्रेन की। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाया, यूक्रेन ओपन है, आप स्टिकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो और ई वीज़ा भी मिल रहा है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल यूक्रेन भी जा रहे हैं, वहाँ जाके व्लॉग कर रहे हैं। तो हम सब यूक्रेन जा सकते हैं, इंडियंस के लिए यूक्रेन ओपन है। और बात करेंगे कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान का ई वीज़ा मिलता है, नेक्स्ट मंथ से उसकी फ़्लाइट्स ओपन होने वाली है, तो हम कजाकिस्तान भी ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल रशिया पहले ट्रैवल कर रहे हैं, फिर वहाँ से हम कजाकिस्तान भी वो जा रहे हैं। तो आप किसी दूसरी कंट्री के थ्रू अभी इस टाइम पर कजाकिस्तान जा सकते हो ट्रैवल करके। और बात करेंगे अजरबैजान की, तो अजरबैजान ने भी अपनी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कीनिया ने भी अपनी एप्लीकेशन लेना एक्सेप्ट कर दिया है, तो आप कीनिया भी ट्रैवल कर सकते हो। और सबसे बड़ी खुशखबरी थाईलैंड, थाईलैंड इंडियंस के लिए बहुत फेमस डेस्टिनेशन है और पिछली बार लॉकडाउन से पहले सबसे ज़्यादा इंडियंस ही वहाँ पर थे। तो थाईलैंड ने अपनी एप्लीकेशन लेना एक्सेप्ट कर दिया है, तो आप थाईलैंड भी ट्रैवल कर सकते हो। तो थाईलैंड गवर्नमेंट ने फुकेट का एयरपोर्ट ओपन किया, हम फुकेट ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो उनको एंट्री मिल जाएगी वहाँ पर। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू गाइस।